हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक एनालिसिस। तो हमने जो ब्लू चिप स्टॉक एनालिसिस सीरीज शुरू की है, उसमें उस सीरीज में नेक्स्ट स्टॉक होगा अदानी ग्रीन एनर्जी। लास्ट टाइम हमने SCL टेक का एनालिसिस किया था, तो अभी देखते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी। और ये जो है तो ये 14 नंबर का स्टॉक है इस लिस्ट में, जिसका मार्केट कैप जस्ट ओवर 3,01,000 करोड़ है अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। लास्ट टाइम जो मैंने जब ये स्टॉक देखा था, उसका प्राइस था 1929, तो 1929 पे ये ट्रेड कर रहा था और इसका तब मार्केट कैप था 3,01,000 करोड़ का। तो चलो देखते हैं चार्ट पे अभी कैसा दिख रहा है स्टॉक और उसमें क्या ट्रेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने के लिए स्टॉक जो है तो लगभग 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट वीक है, मगर ये स्टॉक जो है तो फिर भी जो है तो स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ये लगभग 1% के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। इस महीने हमने लो देखा था 1750 का और हाई था लगभग 2000 के पास में, तो लगभग 250 पॉइंट का जो रेंज है वो हमने देखा है 250 रुपीज़ का, और फिर भी स्टॉक जो है तो गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। फॉर द मंथ 1860 पे लास्ट क्लोजिंग हुई है, लगभग 22 रुपये नीचे, 1.16% डाउन। यहाँ जो है तो लास्ट मंथ हमने लगभग 2% का लॉस देखा था, उससे पहले जो है तो जनवरी में लगभग 41% के गेंस देखे थे, क्योंकि स्टॉक जो है ये 41% या तो यहाँ जो है तो हमने 1300 रुपये से लेकर लगभग 2000 के लेवल देखे थे, और यहाँ हमने 550 का गेन देखा था इन मंथ ऑफ जनवरी। तो ये स्टॉक मल्टी ईयर बुल रन में है। ये स्टॉक 4 साल पहले लगभग 2019 में 30 रुपये का हुआ करता था, इसका अगर लो देखोगे तो 30 रुपये के करीब था, और ये 4 ही महीने में लगभग 2000 का हो, 4 सालों में 2000 का हो चुका है। तो आप रिटर्न वाइज देखोगे तो 30 / 2000 जो अभी करंट प्राइस है इनटू 100 2000 / 30 जो प्राइस था इनटू 100, तो इसके रिटर्न थे 6,666%। ये रिटर्न है, इतना ये भाग चुका है आने वाले ये पिछले 4 सालों में। तो एक अच्छा खासा इसमें बुल रन दिखाई दे रहा है, मगर ये स्टॉक FNO में नहीं है अभी तक, तो इसलिए आई विल मोस्टली अवॉइड दिस स्टॉक। उसका मार्केट कैप वो सभी चीज़ें अच्छी है, मगर ये FNO के में ना होने के वजह से आई मोस्टली डू नॉट ट्रेड इन दिस स्टॉक। मैं मेरा रूल है जो FNO में स्टॉक है वही स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, ये स्टॉक FNO में नहीं है, तो सिर्फ इसका एनालिसिस करेंगे। इसमें मेरा पर्सनल कोई भी जो है तो इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं कभी इसमें ट्रेड किया है उसमें। तो अभी देखते हैं मंथली चार्ट पे, आप देख सकते हो यह थोड़ा सा टॉपिंग आउट के सिग्नल दिख रहे हैं, और यह जो इस साल के जो टारगेट थे वो सभी अचीव कर चुका है। एक ही महीने में उसने अचीव कर दिए थे, जनवरी में उसके ऊपर भी गए थे, तो यहाँ ऊपर के लेवल आ सकते हैं जिस तरह से प्राइस पैटर्न है, मगर जिस तरह से ये भाग चुका है तो हो सकता है कि यहाँ करेक्शन आता है तो उतना डीपर करेक्शन आएगा। यहाँ जो है तो उतना डेटा भी नहीं इस स्टॉक का, तो यहाँ सिर्फ हमें जो 20 मंथ का एवरेज दिख रहा है वो 1100-1200 रुपये के अराउंड, तो उस लेवल पे कम से कम ये अगर डीपर करेक्शन आता है तो उस लेवल पर आ सकता है। यहाँ इस साल का जो S3 है वो लगभग 625 रुपये, अगर किसी कारणवश इसमें फॉल आता है तो आपको 625 या फिर उसके नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको एंटर करना है विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको एंटर करना चाहिए 625 या फिर उसके नीचे, वही लेवल मेरे हिसाब से सेफ रहेगा और वही लेवल वैल्यू बाय रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। बाकी ये स्टॉक मोमेंटम में है, तो मोमेंटम में ऊपर की कोई भी लेवल आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि ऊपर कहाँ तक जाएगा। ये स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकता है अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो, मगर फिलहाल मेरे चार्ट मेरा जो सिस्टम है उस पर दिख रहा है कि ये स्टॉक जो है तो ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है और यहाँ करेक्शन आना चाहिए। करेक्शन अगर आता है तो हम मैक्सिमम नीचे 625 तक लेवल देख सकते हैं, तो करंट लेवल से अगर नीचे आता है तो लगभग आपको 60-70% ड्रॉप डाउन दिखेगा स्टॉक में अगर आता है तो। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ जो है तो हम जो 20 वीक का एवरेज है उसके ही ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ मोमेंटम अच्छा खासा है एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म में भी,
और जिन्हें ट्रेड करना है या फिर इसमें स्विंग ट्रेड लेना है तो उनको 1650 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस। ऊपर जो है तो ये पूरे नीले आसमान में पहुंच चुका है, तो यहाँ टारगेट जो है तो कुछ भी आ सकते हैं। मैंने जैसे कहा यहाँ टारगेट आपको 4000-5000 के भी देखने को मिल सकते हैं। चार्ट देख के तो उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, मगर यू नेवर नो, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कोई चीज़ें सही गलत नहीं होती हैं। मार्केट अगर मोमेंटम में है तो वो आपको छत फाड़ के भी ऊपर लेकर जाता है प्राइस को कभी कभी, और यहाँ आपको जो है तो मल्टी ईयर रन्स दिखते हैं। तो जिनके पास भी है तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि 1650 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन को। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है इस स्टॉक में। अगर डीपर करेक्शन देखोगे कि यहाँ जो मेजर मुझे लेवल दिखते हैं इसके लिए वो रहेगा 1360, और उसके नीचे जो है तो 625 का जो लेवल है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यही लेवल पे आपको जो है तो शायद रिवर्सल देखने को मिलेगा अच्छे खासे। आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी इसने एक अच्छा खासा मूव देने के बाद जो 50 वीक का एवरेज था उसके अराउंड बेस बनाया 900 रुपये पे, और वहाँ से डबल हो चुका है स्टॉक। अभी ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, इसका मतलब ये बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, मगर इसमें कभी किसी कारणवश करेक्शन आया तो बहुत ही डीपर कनेक्शन आएगा, और जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है वो सारे अटक जाएंगे, वो भी कई सालों तक अटक जाएंगे। तो यहाँ जो है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। तो वीकली चार्ट पे जो 50 वीक का एवरेज और नीचे जो है तो 625 का लेवल, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें एंट्री लेना है, तो इन लेवल का वेट कीजिए मेरे हिसाब से। मगर अभी मुझे ये स्टॉक बहुत ही ओवरबॉट लग रहा है, और अगर यहाँ करेक्शन आया तो हमें अच्छे खासे नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, तो ये मेरे लिए स्टॉक जो है तो अवॉइड रहेगा। और ऑलरेडी मैंने कहा है जो स्टॉक एफिनोमेन नहीं है वो उसे मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ और उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। तो जिनके लिए जिनके पास है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि 1650 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। हो सकता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो आपको ऊपर 4-5 हज़ार के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बोनस रहेगा, मगर आपको प्रॉफिट जो है तो उसको एनकैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए 1650 का। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी थी, उसके बाद में अभी साइडवेज हो चुका है, ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। मगर यहाँ जो है तो इसने 1790 का जो 50 डेज का एवरेज था वहाँ सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के लेवल दिखाए हैं। तो यहाँ स्टॉक बुलिश लग रहा है मुझे डेली चार्ट पे। यहाँ जिनको भी ट्रेड लेना है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि 1790 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। आपको इसमें एक्यूमुलेट करना है, आपका जो टारगेट रहेगा वो 2025 का रहेगा, ये छोटा टारगेट रहेगा, और जो बड़ा टारगेट रहेगा वो 2260 रुपये का रहेगा। तो जी यहाँ बुलिश लग रहा है डेली चार्ट पे, मगर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा 1780 का, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट बनेंगे छोटा टारगेट 2025 का, उसके बाद में 2260 का बड़ा टारगेट। तो एक अच्छा खासा बुलिश प्राइस पैटर्न दिख रहा है यहाँ, और स्टॉक शायद यहाँ अगर 1790 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लेवल देखेंगे। अगर 1790 के नीचे जाता है तो हमें जो 1300-1400 के लेवल जो हमने देखे थे वीकली चार्ट पे, जो एवरेज था 1360 का, इसको टच करने के लिए हम जा सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 1780-90 का जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं टूटता है तो ऊपर के लेवल हमें देखेंगे 2000-2200 रुपये के। अगर ये टूट जाता है तो हम 1300-1400 के लेवल तक नीचे गिर सकते हैं। तो यहाँ अच्छा खासा ये स्टॉक बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम में है, तो ये ट्रेडर के लिए बहुत ही फेवरेट होगा जिन्हें करना है। मगर यहाँ रिस्क हाई रहेगी, किसी दिन अगर किसी कारणवश या न्यूज़ फ्लो के वजह से गैप डाउन खुल गया तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाते नहीं आएगा, और वहाँ जो लॉसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर लॉन्गर टर्म करेक्शन में घुस गया स्टॉक तो बहुत नीचे के लेवल भी आ सकते हैं, और करंट लेवल से आपने देखा कि लगभग 60-70% भी नीचे जा सकता है। फिलहाल तो उसके कोई सिग्नल नहीं दिखाई देते, मगर अगर ये कभी हुआ तो आपको जो है तो इसमें डीपर लेवल आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टॉक बुलिश है। डेली चार्ट पे हमने देखा कि 1780-90 के ऊपर लॉन्ग व्यू रखना है, 2025 और 2200 के टारगेट 2260 के। वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये सभी टारगेट अचीव कर चुका है और ये सुपर बुलिश ट्रेंड में जा चुका है।
जिनके पास भी है उन्हें 1650 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ नई एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगा। जिनके पास नीचे के लेवल पे है उन्हें 1650 का स्टॉप लॉस, ऊपर जो है तो 3-4-5 हज़ार के भी टारगेट आप रख सकते हो। मंथली चार्ट पे भी ये बुलिश ही दिख रहा है, मगर यहाँ जो है तो यह स्टॉप लॉस जो आपको वीकली चार्ट पे दिया था वही स्टॉप लॉस फॉलो करना है 1650 का। उसके नीचे जाता है तो आपको इस स्टॉक में से निकल जाना पड़ेगा जो भी लॉस रहेगा वो लेकर। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है लाइव मार्केट में विद सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो आपको जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।